Oh no. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशोर आरके में। तो दोस्तों अभी लगभग शाम के 7 बज रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं जंगली ततैया छुड़ाने, यानी कि जिसे हम लोग लोकल भाषा में तुम्बिल भी कहते हैं। तो उसे हम लोग आग से सेकेंगे, फिर उसका छतना को अलग करेंगे। तो चलिए, यह किस प्रकार से किया जाता है आज आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। देख सकते हैं चारों तरफ पूरा अंधकार है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं तुम्बिल यानी कि ततैया के छतना के नीचे। तो यही वो पेड़ है जिसमें उनका घर है। तो उसे हम लोग अभी आग से सेकेंगे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी मसाल बनाने की। तो सबसे पहले हम लोग मसाल बनाएंगे, फिर इसे आग से सेकेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि कौन सा जगह में है। तो हमारे बड़े भाई फिलिप देख रहे हैं इसे टॉर्च का लाइट देते हुए। तो देख सकते हैं लाइट जहाँ है वहीं है, थोड़ा सा ऊपर में है वो वाला उनका घर। दोस्तों टॉर्च का लाइट देखकर वे जाग गए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। तो उनका आवाज़ हमें सुनाई दिया, इसलिए हम लोग टॉर्च का लाइट बुताने का प्रयास कर रहे हैं। मसाल बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी जूट का बोरा, तो हमें उसे काटना होगा पहले। काटने के बाद हम लोग उसे बांस के लकड़ी में लपेट कर तार से बांध देंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालेंगे। तो देख सकते हैं ये है मिट्टी का तेल। तो अभी हम लोग उस बोरा में डालेंगे इसे, फिर उसको आग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा मसाला लगभग तैयार हो चुका है अभी। तो अब हम लोग जा रहे हैं उस ततैया का छतना को सेकने के लिए। तो देख सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग मसाल के सहारे किस तरह से उन्हें आग से सेक रहे हैं, और इसमें वो झुलस जाएंगे तो हम लोग आसानी से उनके छतना को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों तुम्बिल का छत्ता को हम लोग सेंक लिए। तो अब हमें ज़रूरत है इससे मसाल को बुताने की, क्योंकि इससे वे नीचे आ सकते हैं। तो हमारे भाई साहब चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं पेड़ इतना अंधकार में वो भी और इतनी ऊंचाई। तो पहले वे चढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं चढ़ूंगा उस छत्ता को उतारने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से उसका छत्ता झुलस चुका है आग से, और इसमें कोई भी तुम्बिल जिंदा नहीं है। तो मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूँ अभी।
तो हम लोग इस बोरा में उसे उतार लिए हैं, देख सकते हैं वाइट वाइट बोरा है इसमें। उस छत्ता को तोड़ के नीचे उतारे हैं, तो खोल के देखते हैं कितना बड़ा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही ख़तरा है, क्योंकि यह एक बार डंक मारता है तो उस जगह पर पूरा सुन हो जाता है, यानी कि पूरा शरीर लूज हो जाता है। तो बहुत ही मुश्किल से हम इसे नीचे उतारे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी लगभग शाम के 11 बज रहे हैं, तो अब हम लोग सभी ततैया के छत्ता को छुड़ा लिए। लगभग 6 छत्ता हम लोग आज छुड़ाए हैं, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही अंधकार है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह जो हरा हरा बोरी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें लगभग आधा बोरी हमें आज ततैया यानी कि तुम्बिल का छत्ता मिला है। तो इसे हम लोग निकाल के देखेंगे कितना होता है। तो चलिए चलते हैं घर। तो आज दूसरा दिन है सुबह, तो हम लोग इससे अंडा को अलग करेंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी आग, और आग में हम लोग सेकेंगे, फिर इसको झटका देके इस अंडा को अलग करेंगे इसके छत्ता से। देख सकते हैं किस तरह से अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें मिला है देखिए इतना सारा अंडा, तो इसे हम लोग अभी पकाएंगे और बहुत ही टेस्टीदार पकाएंगे और इसे खाएंगे। तो चलिए देखिए कि किस तरह से हम लोग इसे आज पकाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसा लगता है इसका स्वाद। तो दोस्तों देखिए हमारे बड़े भाई खाने के लिए दोना बनाते हुए, देखिए पत्ती का किस तरह से, देख सकते हैं इधर पत्ती रखा हुआ है और इसका डंटा भी देख सकते हैं। और इधर देखिए ये है, इधर पक रहा है कढ़ाही में, और ये देखिए दोना बहुत ही बड़ा बड़ा साइज का बना रहे हैं। लगता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा खाने को मिलेगा आज, देखिए। और ये देखिए इधर नीचे रखा हुआ है, हमें चखने के लिए हम लोगों ने इसे निकाला है, देखिए थोड़ा सा कि स्वाद कैसे लगता है। देख सकते हैं पक रहा है, जल्दी पको यार। तो दोस्तों आखिरकार हमने पीली ततैया का अंडा भूंज के रेडी कर लिया है। देख सकते हैं पूरी तरह से पका हुआ है ये, तो थोड़ा काला काला दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा चख लेता हूँ, तो देख सकते हैं बहुत टेस्टी है। आप यदि नहीं खाए हैं तो आपको ज़रूर खाना चाहिए, और यदि आप खाए हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है।
तो क्षेत्रीय भाषा में से तुमिल भी कहते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल का अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस तरह से मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को।